हेलो एवरीबॉडी, मैं आनंद अरोड़ा, AFG कंप्यूटर क्लासेस जयपुर से। देखिए, आज मैं आप उन सभी से बात करने जा रहा हूँ जिनका 2018 में CHSL का टाइपिंग 2026 तारीख को पेपर कंडक्ट होने जा रहा है। तो इन विद्यार्थियों के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हम ढूंढने निकले हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो प्राय हर स्टूडेंट्स के माइंड में हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद एक स्टूडेंट के माइंड में हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये सारे क्वेश्चन माइंड में आए और उनको सॉल्यूशन मिले। तो मैं एक एक स्टूडेंट से उनके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल डीपली तरीके से बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कपिल जी से। तो कपिल जी, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? सर, जैसे एंट्री होगी ना, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए हमें, और साथ में DB होगी या नहीं होगी, ये भी बता दो। ठीक है, थैंक यू। अगली बात करते हैं हम हरिओम जी से। हरिओम जी, तो आपका क्या क्वेरी है? सर, कंप्यूटर पर बैठने से पहले एग्जाम रूम में गाइड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ठीक है, बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। सो आगे हैं हमारे हेमेंद्र जी। सर, कीबोर्ड लेआउट क्या है और इसे डेमो एग्जाम से पहले सेट हो गया, उसके बाद करना है इसको सेट? ठीक है, क्या इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या एग्जामिनर खुद सेट करके जाएंगे या ये स्टूडेंट्स को ही करना पड़ेगा? ये सर। ठीक है, आगे। सर, पैराग्राफ 10 मिनट से पहले सबमिट हो जाएगा, यदि हो जाता है तो प्रीव्यू में एडिटिंग कर सकते हैं या नहीं? देखिए, इस क्वेश्चन का एक प्रीवियस ईयर जैसे पहले पेपर होते थे, आप सभी जानते हैं, जैसे पहले पेपर से टाइप होता था, लेकिन इस बार स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, यानी आपकी हाफ स्क्रीन पे मैटर होगा और हाफ स्क्रीन पे आपको टाइप करना होगा। तो बात ऐसी है कि इसके अंदर लास्ट टाइम में क्या होता था, इंस्ट्रक्शन में पहले लिखा होता था कि भाई आप अगर पहले सबमिट कर दोगे तो आप उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का और जवाब ढूंढ पाएं। ठीक है, आगे। सर, वहाँ पर मैटर हाईलाइट होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो हमारी गलतियाँ भी हाईलाइट होगी क्या? ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर, वहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक हो जाएगा? ठीक है, देखिए, इससे पहले एक मनकेश जी ने पूछा था कि हाईलाइट होगा नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है चीज़ें। जैसे कि भी अगर वहाँ पे हाईलाइट हुआ तो स्क्रॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है, जहाँ तक अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें क्या रहा है कि हमें अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में हाईलाइट नहीं मिला है, तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन अगर हाईलाइट होता है तो स्क्रॉल ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी और आगे देखेंगे। तो एग्जाम में पैराग्राफ आएगा, ये ग्रुप में आएगा, फिर एक साथ आएगा, मतलब आप ये देखना चाहते हैं कि क्या हमें वहाँ पे मैटर को, जो अनसीन पैसेज होगा उसको देखने के लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा या दूसरे ग्रुप में जाना पड़ेगा, क्या हमारा वो मैटर ग्रुपों में डिवाइड होगा या नहीं होगा? जी सर। ठीक है, थैंक यू। आगे बात कर रहे हैं मनोज जी से। सर, हमारे जो टाइप करेंगे ना, उन की का हमें बाद में पता लग पाएगा या नहीं, हमने कितनी की टाइप की है या कितना एरर किया है उसका? देखिए, आपका आई थिंक क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से एक वीडियो आया था, उस वीडियो में क्या था कि हमें ये पता लग रहा था कि कितने वर्ड हमें दिए गए हैं और कितने वर्ड हमने टाइप कर दिए हैं और कितने वर्ड हमारे पेंडिंग पड़े हैं और एरर के बारे में, इस तरीके से वर्ड काउंट करेगा या नहीं करेगा, क्या आपका यही क्वेश्चन है? यस सर। ठीक है, थैंक यू। आगे सर, जो टाइपिंग के जो 3 मिनट होंगे लास्ट के, जो प्रोसेसिंग होगा, उस पर क्या प्रोसेस होगा सर? मतलब आप ये चाहते हैं कि जैसे लास्ट में आपको जो सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है, तो वो सेल्फ वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, क्या आप यही जानना चाहते हैं? जी सर। थैंक यू। आगे मैं बात करने जा रहा हूँ कैलाश जी से। सर, वहाँ पर जो एग्जाम में जो कीबोर्ड आएंगे वो किस टाइप के ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे, कैसे आएंगे? देखिए, वैसे तो अधिकतर, चाहे आपका GIT में हो या RA में हो, आपको अधिकतर DEL 216, ठीक है, या DEL 216 या DEL 212 या HP के कीबोर्ड मिलते हैं। जैसे कि मैं अभी बात करूं, आपको लास्ट में आपको ये कीबोर्ड की फ़ोटो दिखाई जाएगी, ठीक है। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दिलीप जी से। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कैरेक्टर आएंगे वो टोटली 1750 आएंगे उनकी काउंटिंग, या फिर उनमें इजाफा भी होगा? ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का अगर प्रीवियस ईयर पेपर से तुलना की जाए क्वेश्चन की, तो प्रीवियस ईयर के अंदर किसी में 2100 आए थे, किसी में 2200 और 2300 2000 तक भी आए थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें फर्स्ट पेपर होने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है
की भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कीज ज़्यादा आएंगी, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब जरूर यस सर। पैराग्राफ में मतलब टाइपिंग करने से पहले टैप दबाना पड़ेगा। देखिए आपको सभी को पता है कि इस बार जो टेक्निक चेंज हुई है, मतलब जो मेथड है, जो टेक्निक है टाइपिंग टेस्ट लेने की, वो चेंज की गई है। जैसे पहले प्रिंटेड मैटर मिलता था, प्रिंटेड मैटर से हमें क्या करना पड़ता था कि उसको देखते हुए हमें स्क्रीन में टाइप करना पड़ता था, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि हमें आपको क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता था कि आप स्टार्टिंग में टैब दबाना पड़ता था और एंटर दबाना पड़ता था। तीन पैराग्राफ है तो तीनों पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हमें टैब दबाना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपका टैब बटन वहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे मैं बात करूँ राजस्थान हाईकोर्ट, इस तरीके से मैटर टेस्ट या रूल जरूर अलग थे, उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं था, लेकिन उसके अंदर टैब बटन का यूज नहीं हुआ था और हाईलाइट भी नहीं हुआ था। अब मैं आईए की बात करूँ तो आईए में भी इसी तरीके से ना ही हाईलाइट हुआ था और ना ही हमारा क्या हुआ था उसके अंदर, हमें ऑटो स्क्रॉल हुआ था, स्क्रॉल करना पड़ा था, ठीक है, और ना ही वहाँ पे टैब बटन का यूज़ हुआ था। तो धन्यवाद आपका, थैंक यू। आगे मैं बात करने जाऊँगा राजपाल जी से। राजपाल जी आपका क्या क्वेश्चन है? सर पहला ग्रुप कंप्लीट होने के बाद वापस बैक स्पेस यूज कर सकते हैं? जैसे कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया था हमारे राजवीर जी ने कि क्या हमारा वो मैटर ग्रुपों में आएगा या क्या बोलते हैं, सॉरी ये पूछा था हमारे सुरेंद्र जी ने, ये पूछा था, ठीक है, तो ग्रुपों में आएगा या पूरा कंप्लीट ऐसा मैटर है जिसके लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इससे जवाब ये है कि अगर ग्रुपों में आता है तो ग्रुप में आने के बाद टाइप करते करते अगर हम सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं तो क्या पहले वाले ग्रुप में आकर अगर आप पहले टाइम से पहले कंप्लीट कर देते हैं क्या आप उसमें बैकस्पेस का यूज करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं? क्या यही क्वेश्चन आपका? यस सर जी, थैंक यू। आगे बात करते हैं हम शिवराज जी से। सर ये एग्जाम हॉल अपन की टाइपिंग खत्म होने के बाद में एग्जाम हॉल छोड़ने से पहले हमको एडमिट कार्ड वापस दिखाना पड़ेगा दोबारा बाहर निकलने के लिए या नहीं? अच्छा, अगर जैसे कि आप सभी को ध्यान है जो कॉल लेटर इस बार एडमिट कार्ड आए हैं, एडमिट कार्ड में क्या हुआ है कि भी आपको अंतिम जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको जब परीक्षा दे के बाहर निकले तो हमें एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, तो वो एडमिट कार्ड हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन था, क्या यही है? हाँ सर, ठीक है। और ऑल दी बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए, और जो लोग ये देख रहे हैं उन सभी को भी आप सभी यही कहना चाहूँगा कि जब स्टार्टिंग के 10 सेकंड हो तो हमें थोड़ा स्लो करना है ताकि हमें जो हमारी घबरा। तो अब हम पहुँच चुके हैं जीआईटी कॉलेज के जस्ट सामने और फर्स्ट पेपर, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। उनके कुछ जने यहाँ पे जो स्टूडेंट पेपर दे के अंदर अंदर से बाहर आए हैं उनसे उनका रिव्यू लेने हम पहुँच चुके हैं। तो मैं कुछ लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो आप लोगों के माइंड में डाउट हो सकते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है इन लोगों में से, मैं बात करने जा रहा हूँ अब यहाँ पे शिवराज जी से कि कॉलेज के एंट्री के टाइम में आप लोगों से क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं? सर एक एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के साथ में एक फोटोयुक्त आईडी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मांगा। और कुछ नहीं मांगा जा रहा। तो आगे मैं बात करने जा रहा हूँ राजपाल जी से, मुझे ये बताइए क्लास के अंतर्गत आप लोगों से क्लास में टीचर आपको क्या क्या गाइड कर रहे हैं, क्या वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, कुछ उस बारे में बताइए। पूरी तरह गाइड कर रहे हैं सर। क्या चीज़? पूरी तरह गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं सब कुछ, टेक्नीशियन वगैरह। क्या वो आप लोगों को ये बता रहे हैं सॉफ्टवेयर कैसे सेट होगा और क्या सर, वो पूरी आपको बता रहे लेआउट सेट कैसे होगा, क्या आपको उसके अंदर हेडेक लेने की कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं सर। तो ये ध्यान रखिएगा पहला ये कि जो लेआउट से रिलेटेड घबराए हुए हैं वो घबराने की उन लोगों को कोई भी जरूरत नहीं। लेआउट सर सेट ही आता है उसमें, सेट ही आता है। चलो फिर तो बहुत ही बढ़िया। अगली बात ये है कि क्या हम इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन है कि हम एग्जाम जो टाइमिंग है उससे पहले सबमिट कर सकते हैं, यानी पेपर के अंदर अधिकतर सभी स्टूडेंट्स ने 8-7.5 मिनट में पेपर कंप्लीट कर दिया, तो आप यहीं से ही अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोगों का जो मैटर आ रहा है वो बहुत ही इजी आ रहा है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर एग्ज़ाम सेंटर में जाइए और पेपर दीजिए। और उसके बाद क्या ये सबमिट करने के बाद उसके अंदर आप एडिटिंग कर पाएंगे? नहीं सर, सबमिट करने के बाद एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी पिछली बार एग्ज़ाम के अनुसार ही हुई है। क्या चीज़? पहले भी ये कहा गया था कि अगर आप एग्ज़ाम में टाइमिंग पीरियड से पहले सबमिट कर देते हैं तो आप उसमें किसी भी प्रकार का एडिटिंग परिवर्तन यानी एक्यूरेसी अपनी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दें और अपना जो गलत वर्ड है उनको सही किया जाए। अगला क्वेश्चन है क्या वहाँ पे जो जैसे वीडियो में बताया गया था, एक डेमो वीडियो आया था कि क्या वहाँ पे मैटर हाईलाइट हो रहा है? नहीं सर। और क्या वहाँ पे ऑटो स्क्रॉल हो रहा है? नहीं
वोटर स्क्रॉल नहीं हो रहा सर वहाँ। और क्या करना पड़ रहा है? हाईलाइट नहीं हो रहा सर। तो यानी हर एग्जाम की तरह है, जैसे कि आपको इससे वीडियो में पहले एक क्वेश्चन जब पूछे गए थे तो मतलब कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, और हाईलाइट नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमें स्क्रॉल मैनुअल ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि टाइपिंग के साथ साथ हमें ये पता लग पा रहा है कि कितने मैटर उसमें हमने टाइप कर दिए हैं, या हमें अंत में पता लग पा रहा है कि मैटर हमने कितने टाइप किए हैं? सर ये हमें सबमिट हो जाने के बाद में पता चलता है। सबमिट होने के बाद ही पता लगेगा सर। ठीक है। और उसके बाद अगला है कि जब आप अपना टेस्ट कंप्लीट कर देते हैं, टेस्ट कंप्लीट करने के पश्चात आपके अंतिम जो तीन मिनट वाली बात बोली है सेल्फ वेरिफिकेशन में, उसमें क्या करवाया जा रहा है? उसमें सर मदर्स नाम लिखवाते हैं बस, और उसको सेव करना होता है। मदर्स नेम लिखवाया जा रहा है, उसके बाद सेव करना होता है, बटन पे क्लिक किया करवाया जा रहा है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन ये है कि जीआईटी कॉलेज के अंदर आपको अधिकतर कौन से कीबोर्ड मिले? तो मैं सभी से पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि आपको कौन सा कीबोर्ड मिला? सर लेनोवो का मिला था। लेनोवो? और आपको? मेरे को सर पूरे लैब में डेल 212 थे। लैब पूरे लैब में 212 डेल 212। ठीक है। मेरे पूरे लैब में एचपी के थे। एचपी के सॉफ्ट में था सर, सॉफ्ट वाला। डेल 212। डेल 212। सर हमारे तो लैब में पूरे में 212 था। और आपके? 212। मतलब अधिकतर इन सभी के जो क्वेश्चन आए हैं, मतलब जो कीबोर्ड आए हैं, वो कौन सा है? डेल 212। तो मैं एक बार लोकेश जी से और पूछता हूँ, आपके कौन सा है? सर सारे लैब में डेल के बहुत सॉफ्ट कीबोर्ड थे, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाए नहीं, आराम से सबकी टाइपिंग हो गई। अच्छा। उसके बाद मैं लक्ष्मी जी अशोक जी से पूछता हूँ, आपके कौन सा कीबोर्ड आया? डेल 212। लक्ष्मी जी डेल 212 है। क्या इस बार आपका आना जयपुर आना सक्सेसफुल हो गया? पेपर पास कर लेंगे? चलो ठीक है। उसके बाद अगला है कि आपके वहाँ पे जो की स्ट्रोक आए थे वो कितने आए थे? क्या पिछली बार की तरह 2000 की स्ट्रोक, 2100 की स्ट्रोक आए थे, या फिक्स की स्ट्रोक आए थे? फिक्स 1750 आए थे। 1750। आपके क्या कहना है? सर 1750 आए थे। 1750 और 60 के बीच में थे। 1750 और 60 के बीच थे। अच्छा। सर 1750 और 1770 के आसपास ही की स्ट्रोक थे, इतने ही आ रहे। क्या उसमें कोई सिंबल वगैरह आ रहे हैं? डिजिट नहीं, कोई संख्या, कोई डिजिट, कोई कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है। अगला कि बैक स्पेस दबाने की कोई लिमिट है, या कम्प्लीटली जहाँ मर्जी जाके आप कर सकते? कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो, चलते टेस्ट में। ठीक है। और टेस्ट प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात आप जो अंतिम इंस्ट्रक्शन कहा गया कि कॉल लेटर आपको दिखाना पड़ेगा, तो वो कॉल लेटर कहाँ दिखाना पड़ेगा? वो गेट पे निकलते हैं, लैब के गेट पे ही देख रहे थे सर। अच्छा, मतलब एंटर होते समय जो लैब में प्रवेश करते समय ही आपको दिखाना पड़ रहा है, और एग्जिट होते समय भी वही का वही दिखाना पड़ रहा है। तो मैं यही कामना करता हूँ कि अगले जितने भी टेस्ट होने जा रहे हैं उसमें आप लोग घबराए नहीं, और आप सभी को एग्जाम की ऑल द बेस्ट शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जैसे जैसे ब्रेक का टाइम खत्म होता है तो उसमें ऑटोमेटिक टाइम चालू होता है टेस्ट का, ये नहीं रहा है कि मतलब हम करेंगे जब ही चालू होगा, ब्रेक टाइम तीन मिनट का खत्म होते ही अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो देखिए अभी यहाँ पे कैलाश जी ने ये बोला है कि जो हमें तीन मिनट का ब्रेक दिया गया है, तो ये मत सोचिएगा कि जैसे कि भी हम 10-15 सेकंड लेट चालू कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आपका ब्रेक टाइम कम्प्लीट होगा तो तुरंत आपका जो वास्तविक टेस्ट है, जो एक्चुअल टेस्ट है, वो स्टार्ट हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर। हाँ लोकेश जी। सर जैसे अपना ये बैक स्पेस का जो बटन है वो 1700 की स्ट्रोक होने बाद तुरंत बंद हो जाए, कोई स्टूडेंट घबराए नहीं, बैक स्पेस का जो बटन है वो बंद हो जाता है, कोई घबराए नहीं, आराम से टाइपिंग करे, फिर दोबारा अगर लॉन्ग रन होगा 10 मिनट के लिए ओरिजिनल टेस्ट, तो फिर और जो चालू हो जाएगा अपने आप सब। क्या कहना चाहते हैं आप, वापस बताइए। जो हमारे लिए जो डेमो मिलता है 10 मिनट का, उसमें 1750 होने के बाद या 60 होने के बाद स्पेस है, वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा। बैक स्पेस नहीं, स्पेस, उससे घबराए नहीं, चिल्लाए नहीं, हमारा बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ओरिजिनल एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। तो देखिए इनका कहने का भावार्थ ये था कि जब आप लोगों का ये जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसके अंदर अगर आप 1700 जो आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट के लिए कीबोर्ड यूज करने के लिए दिया जाएगा कि आप चेक कर लें कि कीबोर्ड प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो जब 1750 की उसमें आप पूरी टाइप कर लेंगे तो उसके अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसके अंदर 1750 की के बाद स्पेस बटन वहाँ पे वर्किंग करना बंद कर देता है, लेकिन वो वास्तव में काम कर रहा होता है, लेकिन जब आप एक्चुअल टेस्ट में टाइपिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे स्पेस जितना मर्जी आप बाद में भी यूज कर पाएंगे, कोई उसमें बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। थैंक यू। और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी विद्यार्थी अगले बैच में है उनके लिए शुभकामनाएं, आराम से करें, घबराएं नहीं। थैंक्स।
धन्यवाद लोकेश जी। सो आप सभी का शुक्रिया। गो डिजिटल।